दिल्ली की कांग्रेस बैठक से जुड़ी इनसाइड स्टोरी के बारे में आपको बता देते हैं। रघु शर्मा और हरीश चौधरी ने सुझाव दिए, जो महामंथन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का हुआ, जो चुनाव नहीं जीत रहा उसकी काटी जाए टिकट, ऐसा रघु शर्मा और हरीश चौधरी ने सुझाव दिया कांग्रेस के महामंथन में। तो वहीं करीब 10 मिनट बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री ने कहा कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों एमएलए की टिकट काटें। और सचिन पायलट ने कहा कि मैं भूल चुका हूं पुरानी बातें, जो भी जिम्मेदारी देंगे उसे वो बखूबी निभाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये इनसाइड स्टोरी के बारे में क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, बयान सामने आया है, चाहे वो सचिन पायलट का हो, चाहे वो रघु शर्मा और हरीश चौधरी का हो। देखिए अर्पिता, 4 घंटे और 29 नेताओं के साथ दिल्ली दरबार में जो मंथन हुआ, अब उसके अंदर की खबरें हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। सबसे पहले टिकट वितरण की बात करें तो रघु शर्मा और हरीश चौधरी ने कहा कि जो विधायक और मंत्री कमजोर परफॉर्मेंस है वो जीतने की स्थिति में नहीं है, तो बाकायदा उनके टिकट काटा जाए, ये सुझाव उन्होंने राहुल गांधी और खड़गे को कहा। और जहां तक बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो करीब 10 मिनट अशोक गहलोत जूम ऐप के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी जो महंगाई राहत कैंप है, स्कीम्स है, वो कई मसलों पर बात रखी। टिकट काटने की बात पर भी सीएम गहलोत ने अपना ओपिनियन दिया और कहा कि जो कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्री और विधायक है उनकी टिकट काटने की जिम्मेदारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, खड़गे और राहुल गांधी ने। वहीं सचिन पायलट ने क्या बोला वो बातें भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तो सारी बातें भूल चुका हूँ, और खड़गे के साथ जो बैठक हुई थी उसमें खड़गे ने एक बात कही थी सचिन पायलट को, जो बीत गया सो बीत गया। तो पुरानी बात के आधार पर उन्होंने, सचिन पायलट ने स्वीकार किया कि मैं पूरी तरह से पुरानी बातें भूल चुका हूं, अब मेरे मन में किसी तरह की नाराजगी द्वेष नहीं है, और जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी उसको मैं निभाने के लिए तैयार हूं। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ हमें डिफेंसिव नहीं अग्रेसिव होकर लड़ना होगा, चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। वहीं स्पीकर पीपी जोशी ने जीत के आंकड़े बताए, जीत का फार्मूला बताया कि किस तरह इतने वोट परसेंटेज अगर हम देते हैं तो चुनाव जीत सकते हैं, और उन्होंने राजस्थान में जो वोटिंग ट्रेंड है किस तरह वोट पड़ते हैं उसके बारे में भी अपनी बात रखी। अब राहुल गांधी ने भी कुछ कहा कि ये सरकार कार्यकर्ताओं की हो, ऐसा एहसास होना चाहिए, नहीं कि नौकरशाही के इस पर हावी हो या नौकरशाही ज्यादा फैसला करें, ये राहुल गांधी ने बात की। तो इसके अलावा कई नेताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने अधिकतर ने सरकार की योजनाओं की और स्कीम्स की तारीफ की। ये अंदर की जो खबरें हम हमारे दर्शकों को सबसे पहले बता रहे हैं, किसने क्या कहा, पायलट ने क्या कहा, गहलोत कितने मिनट तक बोले। तो कुल मिलाकर दिनेश, देखिए माना जाए ये अहम बात है जो आपने इनसाइड स्टोरी हमारे दर्शकों को बताई, और बात अगर चुनावों की करें तो स्ट्रैटेजी पे चर्चा हुई ज़्यादातर, किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरह के जो टिकट काटने वाली बात कही है वो भी एक इनसाइड स्टोरी है। तो कुल मिलाकर मायने यही कि जो चुनाव आने वाले हैं उस पर स्ट्रैटेजी पे मंथन हुआ पूरा। बिल्कुल, पूरी रणनीति पर सर ने अपने खुलकर विचार किया, जिसकी टिकट काटनी है काट दिया जाए, चाहे छोटा हो ये बड़ा हो। और सीएम गहलोत ने भी कहा कि आप बिल्कुल टिकट काटिए, आप खुद टिकट काटने की जिम्मेदारी हो, जो ईडी और अन्य एजेंसियां कार्रवाई कर रही है उससे किस तरह लड़ाई लड़नी होगी इसके बारे में भी सुझाव दिए गए, और क्या जातिगत सियासी समीकरण साधे जाए इसके बारे में बताया। हालांकि अधिकतर मंत्रियों ने यही कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, गहलोत सरकार की जमकर यहां पर तारीफें की। पीपी जोशी ने आंकड़ों के जरिए अपनी बातें रखी कि 1952 से अब तक किस तरह राजस्थान में मतदान होता है और कितना मतदान प्रतिशत रहता है, तो क्या रिजल्ट रहता है, और हम सरकार मिशन सरकार रिपीट कैसे पूरा करें, इसका फार्मूला भी पीपी जोशी ने यहाँ पर बताया। प्रताप सिंह ने अपने अंदाज में अपनी बात रखी कि हमें लड़ना होगा, सड़कों पर उतरना होगा और करारा जवाब देना होगा, डिफेंसिव रक्षात्मक मुद्रा से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इस तरह तमाम नेताओं ने अपनी बातें रखी, 29 नेता इस बैठक में मौजूद थे और 4 घंटे इस कारण इस बैठक में लगे कि सबको 3 से 5 या उससे ज्यादा भी कोई समय की बाउंडेशन नहीं, और सब ने अपनी खुलकर बात की सरकार किस तरह रिपीट हो, क्या कमियां खामियां और कमजोरियां है उनको कंट्रोल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, इनसाइड खबरों के स्टोरी के बारे में आपको दर्शकों को बता रहे थे हमारे सहयोगी दिनेश, किस तरह से कौन कौन से नेताओं ने क्या क्या बयान दिया, मिशन एक ही कि मिशन रिपीट, किस तरह से राजस्थान में कांग्रेस को वापस रिपीट किया जाए, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया, क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई गई, ये अपने आप में आज इस पूरे महामंथन में महत्वपूर्ण था।
कांग्रेस बैठक से जुड़ी इनसाइड खबरें आपको बता रहे थे, जहां पर स्पीकर सीपी जोशी ने बताए जीत और वोटिंग पैटर्न। थे जहां महामंथन हुआ तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 मिनट बोले। सीएम ने कहा जो कमजोर परफॉर्मेंस वाले एमएलए हैं उनका टिकट काटा जाए, ऐसे उन्होंने अपने सुझाव रखे। तो जो भी और सचिन पायलट ने वहीं कहा कि पुरानी बातें सब भूल चुका हूं, जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसे मैं बखूबी और अच्छे से निभाऊंगा। Thank you.